गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम वर्क पावर एनर्जी लेक्चर 7। और आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो, इसको समझने के लिए मैं हेल्प लूंगा यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ की। आपको स्टेटमेंट भी आ जाएगा, देखो ध्यान रखो। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है भाई? चेंज रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स में रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। चेंज रेट इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। और इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिखते हैं, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। यहाँ इसमें देखो, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इट मीन्स डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। एक्सटर्नल फोर्स को हमने क्या सपोज कर लिया? जीरो। इट मीन्स डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, दैट इज डी पी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर? देखो यहाँ पे जो अपने पास ये आया पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब यहाँ इसका स्टेटमेंट तैयार हो रहा है। देखो जो अपन ने लिखा इसका स्टेटमेंट, देखो मैं अब इसका स्टेटमेंट नोट कर देता हूँ। ये जो आपने लिखा, अब आपसे पूछे कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो मैंने क्या किया, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन पी इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो अब मैं लिख रहा हूं इसको लॉ कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है भाई? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल रिमेंस कॉन्स्टेंट। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कण का संवेग संरक्षित रहता है। इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल रिमेंस कॉन्स्टेंट, रिमेंस कंजर्व कह सकते हैं। तो इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो अपने पास रिलेशन आया है इट मीन्स एम वी इक्वल टू क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आया है। अदरवाइज हम इसको क्या करते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m1 u1 इक्वल टू m1 v1 यूं भी लिख सकते हैं। यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ये भी ले सकते हैं भाई किसी सिंगल पार्टिकल के लिए। और ध्यान रखें, फॉर टू पार्टिकल्स थ्री पार्टिकल्स तो हम यूँ ले सकते हैं p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस pn, जितने भी पार्टिकल हों इनका लीनियर मोमेंटम pn हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट किसका, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मैं यहाँ एक और चीज़ आपको बता दूं। देखो यहाँ ध्यान रखना, एक बढ़िया स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड अच्छे क्वेश्चनों में से जो आता है, यहाँ ध्यान रखना कि लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या लिखा भाई मैंने, ध्यान देना, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम is independent on frame of reference। यहां ध्यान देना बेटा कि अभी मैंने लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या लिखा, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसके लिए अभी मैंने क्या लिखा, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर इनडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझना, रटना नहीं बेटा इसको, क्या करना है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लीनियर मोमेंटम हमें किसी बॉडी का ऑब्जर्व करना है, तो एन ऑब्जर्वर इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्व डिफरेंट लीनियर मोमेंटम ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम, किसी निकाय का हमें लीनियर मोमेंटम संवेग संरक्षण लेना है तो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, ऑब्जर्वर किसी दूसरी फ्रेम में है, किसी थर्ड फ्रेम में, तो डिफरेंट जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, डिफरेंट ऑब्जर्वर्स है, सेम बॉडी का लीनियर मोमेंटम कैसा लगता है उनको, डिफरेंट लगता है, जबकि खुद का कैसा है उनको, कांस्टेंट लगता है, तो इट मींस लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन लॉ की बात नहीं है, कंजर्वेशन लॉ इनडिपेंडेंट, इसका किसी से नहीं, सब जगह लागू होगा, ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल्स में कहीं भी अपन लागू करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको और आगे, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हम जब अप्लाई करेंगे तो हम जनरल अप्लाई करेंगे कोलिजन्स में, तो अब अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल, क्या पॉइंट ले रहे हैं भाई, कोलिजन्स ऑफ टू पार्टिकल्स, कोलिजन्स ऑफ टू पार्टिकल्स। अब कोलिजन्स में यानी A collision of two particles said to be either they physically collide to each other or if their path or velocities influenced, if their path or velocities are influenced to each other, then पार्टिकल इज इन कोलिजन। देखो इस बात को समझना, मैं कह रहा हूं कि कोलिजन किसे कहेंगे, हम एक जनरल समझते हैं कोलिजन का मतलब दाम, टक्कर, नहीं, ये भी एक टक्कर है फिजिकली भी, अदरवाइज जैसे चार्ज पार्टिकल्स आएंगे वो तो कुछ डिस्टेंस से क्या करेंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव लेके आए तो दूर हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव लेके आए तो अट्रैक्ट हो गए, तो वो एक डिस्टेंस से ही इंट्रैक्शन करते हैं, उनकी अन्योन क्रिया होती है, एक डिस्टेंस से इंट्रैक्शन करते हैं, और उस इंट्रैक्शन से यदि उनका पाथ चेंज हो जाए किसी एक पार्टिकल का, या फिर उनकी वेलोसिटीज इन्फ्लुएंस हो जाए उससे, तो इट मीन्स बॉडीज किस में है, टक्कर में है, कोलिजन में है। क्लियर हो जाएगा आपके कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि फिजिकली हो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनमें म्यूचुअल इंट्रैक्शन इस तरह से हो कि उनके पाथ और वेलोसिटीज इन्फ्लुएंस हो रही हैं तो भी क्या है, कोलिजन है। और अब हम कोलिजन को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, कोलिजन इज डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज, फर्स्ट ले रहे हैं इलास्टिक कोलिजन, सेकेंड हम ले रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन और थर्ड ले रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। देखो इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तीन कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो इलास्टिक कोलिजन इट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट मीन्स इलास्टिक कोलिजन्स में लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एक बार यहां भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा और यहां भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो सर कहां डिफरेंस है, तो इट मींस कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन्स, कॉलम जो है सब में लागू होगा, बट कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहां देखेंगे अपन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी
इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज चेंज एंड इट मे बी लॉस, इट मे बी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। इट मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल से फाइनल ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी। और ये जो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि ये जो बॉडीज हैं, मान लेते हैं ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं और अब कोलिजन के पास दोनों एक साथ स्टक होके मूव कर रहे हैं, स्टक टू ईच अदर, स्टक टू ईच अदर, इट मीन्स ये कैसी है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, दोनों एक दूसरे के परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, दोनों एक साथ चिपक कर चल रहे हैं, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक। और इनके मेजरमेंट का एक और भी तरीका है मैथमेटिकली, क्या तरीका है देखो, उसको हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इसका देखो क्या है, इक्वल टू रिलेटिव मोशन, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं, डीफॉर्मिंग वगैरह छोड़ो, रिलेटिव मोशन आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव मोशन बिफोर कोलिजन। इट मीन्स इक्वल टू माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, इसको बोलेंगे रेस्टिट्यूशन। देखो ये क्या है, समझ लो आप अच्छे से, कि हमारे पास देखो सपोज ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, ठीक। अब ये जो है इनके मैंने मासेस ले लिए m1 एंड m2, इनकी वेलोसिटीज ले ली u1 एंड u2, और सपोज u1 ग्रेटर देन u2 है, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, कुछ टाइम यहाँ पे कोलाइड करेंगे, ये कोलिजन हो गई। अब कोलिजन के बाद में क्या सिचुएशन हो रही है भाई, अब ये दोनों अलग अलग जब हो रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, सपोज इसका v1 है A का और B का कितना है v2 है, तो इट मीन्स देखो ये जो u1 एंड u2 है ये कैसा है, बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन। तो हमने देखो ये लिया है, तो इसमें देखो जो वैल्यूज ऑफ ई की जो रहेंगी, तो ई इफ ई इक्वल टू वन, तो ई इक्वल टू वन कब हो सकती है, जब v2 माइनस v1 इक्वल टू u2 माइनस u1 हो, v2 माइनस v1 इक्वल टू u2 माइनस u1 हो, तो ये रहेगी इलास्टिक कोलिजन। और e equal to 0, इट मीन्स कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 जीरो हो जाए तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि जैसे अपन ने अभी बात की थी किसके लिए, इन इलास्टिक में क्या हो गया था, कॉमन वेलोसिटी v, तो v माइनस v इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, तो ये कहलाएगी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इट मीन्स वैल्यू ऑफ ई, कई बार यही क्वेश्चन कि इसका जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो आएगा और लेस देन कैसा आएगा, वन, या तो परफेक्टली इलास्टिक हो तो वन, परफेक्टली ना इन इलास्टिक हो तो फिर क्या है, जीरो। तो इससे भी हम मेजरमेंट करते हैं और अब हम इसको डिटेल से करने वाले हैं, इसी पॉइंट को डिटेल से करने वाले हैं। अब देखो फर्स्ट टाइप का अपन कोलिजन ले रहे हैं, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, इसको अपन 1D कोलिजन भी कह सकते हैं, 1D कोलिजन भी कह सकते हैं, कोलिजन इन स्ट्रेट लाइन है, यानी वेलोसिटीज आर इक्वल
या वेलोसिटीज आर अलोंग विद डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बॉडीज इसमें स्ट्रेट लाइन में रहेंगी, जिस डायरेक्शन वेलोसिटी है डायरेक्शन उसी में कोलिजन होगी। देखो कैसे समझ सकते हैं आप इसको, अच्छे से अपन देख रहे हैं यहाँ पे क्या ले रहे हैं भाई। वापस देखो अभी जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे अपन कि हमारे पास ये टू बॉडीज हैं ए एंड बी, इनके वेलोसिटीज हमने ले लिए यू वन, इसका वेलोसिटी हमने ले लिया यू टू, इनके मासेस हैं एम वन एंड एम टू। ये स्थिति जो अपन ले रहे हैं ये कब की है, बिफोर कोलिजन। सपोज यू वन ग्रेटर देन कैसा है, यू टू है। अब जब यू वन ज़्यादा है यू टू, तो देखो ये एक पहली बात, इनका जो ये सेम, तो यहाँ से देखो इस लाइन में जा रही है, तो ये कहीं इसी इस पॉइंट पर आकर ये बॉडीज टकरा रही हैं भाई, यहाँ के इनमें कोलिजन होगी, यहाँ कोलिजन होगी ए और बी में। तो यहाँ देखो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन और इसका इक्वल और अपोजिट रहेंगे, तो इंटरनल फोर्सेस नेट फोर्स अपन क्या कर लेंगे, जीरो। तो ये क्या स्थिति कब रहेगी, ड्यूरिंग कोलिजन, ये है ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के ड्यूरिंग ये सिचुएशन है ड्यूरिंग कोलिजन। अब इसके बाद देखो पार्टिकल्स की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, पाथ यहाँ पे सेम ही है, पाथ सेम ही है। मान लेते हैं अब ए का और बी के जो वेलोसिटीज हैं ये हो गए वी वन एंड वी टू, तो हमें यहाँ पर मेन अपना टारगेट ये हो गए आफ्टर कोलिजन, ये सिचुएशन होगी आफ्टर कोलिजन। इट मीन्स हमें वी वन और वी टू हमें फाइंड करने हैं कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी व्हाट विल बी। तो हम क्या करेंगे, जब इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में दोनों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अपन बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में बात करूं, तो देखो कंजर्वेशन टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू आफ्टर कोलिजन क्या है, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। समझ में आ गई, कंजर्वेशन एम वन यू वन इस पार्टिकल का, एम टू यू टू ये बिफोर कोलिजन हो गया, और फिर आफ्टर कोलिजन क्या है, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। मैं चाहूँ तो इसको देखो एम वन को एक तरफ ले लूँ, तो देखो एम वन यू वन माइनस वी वन इक्वल टू एम टू को एक तरफ ले लूँ, तो एम टू वी टू माइनस वी वन ये हो सकता है भाई, और ये इक्वेशन नंबर अपने पास वन आ गया, ये इक्वेशन मैंने नंबर वन इक्वेशन ये अपने पास तैयार हो गया, जिसको अपन काम में लेने हैं वी वन और वी टू फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब ये तो अपने पास बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ले लिया, अब हम ले रहे हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से ले रहे हैं भाई। देखो एनर्जी कंजर्वेशन से लेंगे, तो देखो इन दोनों पार्टिकल्स का इनिशियली हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल बी का हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इक्वल टू आफ्टर कोलिजन एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ये आफ्टर कोलिजन हो गया। क्लियर, अब यहाँ से हम उसी तरह से देखो एम वन को इधर ले आऊँ मैं, तो देखो हाफ एम वन यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू इस टर्म को उधर ले आऊँ एम टू वाले को, तो एम टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपन देखो हाफ से हाफ तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, जो इक्वेशन अपने पास बचा इस इक्वेशन पर ध्यान देना, ये इक्वेशन बचा अपने पास एम वन यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू एम टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। क्लियर, तो अपने पास ये दो इक्वेशन हो गए, इन दोनों का कंपेयर करें, तो देखो कंपेयर करते हैं अपन, बात ये करें कि इक्वेशन टू इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन, देखो डिवाइड करते हैं अपन, इक्वेशन टू अपने पास ये है और डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन कर दो इसको, देखो डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन अपने पास क्या है, एम वन यू वन माइनस वी वन इक्वल टू एम टू वी टू माइनस वी वन,
यहां से आप देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, m1 चला गया, m2 चला गया, u1 माइनस v1 क्या बच जाएगा भाई, डायरेक्ट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, हमें सब आता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा प्लस वाला, क्लियर। चलो हमने लिखा u1, कौन सा बचा भाई, अरे भाई देखो अपने पास कौन सा बचेगा, माइनस वाला चला जाएगा प्लस वाला बच जाएगा, इक्वल टू माइनस वाला चला गया प्लस वाला बच गया v2 माइनस u1। यहां पे देखो क्या था अपने पास, m2 v2 माइनस, एक मिनट ध्यान देना भाई, m1 इक्वल टू यहां पे जो था m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2, देखो v1 को इधर ले आए और u2 को इधर ले गए, थोड़ा गड़बड़ हो जाती, तो आप ध्यान देना ये जो टर्म है v2 माइनस, इट मीन्स यहां पर क्या है सर, वो तो हमें ध्यान था, u2 बताया नहीं था आपको, ये लो u2, ये इधर चला गया भाई, क्योंकि ये तो इधर आ गया था m1 और इसको इधर लेके आ गए, तो ये माइनस u2, तो ये अपने पास इक्वेशन में यहां पर क्या है u2, v2 माइनस क्या है u2, दोनों जगह। हरे कृष्णा, यहां भी देखो ये था और u2 को अपन इधर लेके गए, u2 को इधर लेके गए, तो अब देखो यहाँ पे क्या है v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, और यहाँ पर भी अपने पास क्या है v2 माइनस u2 स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है u2 स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ बच गया v2 माइनस की जगह अपने पास प्लस, ठीक है सर, ये क्या कर दिया, ओके समझ में आ गया भाई, u1 स्क्वायर माइनस v1 u1 v1 माइनस वाला कैंसिल हो गया प्लस वाला बच गया, v2 माइनस u2 माइनस वाला कैंसिल हो गया, क्या बच गया प्लस वाला, अपने पास u1 प्लस v1, अदरवाइज यूं भी ले सकते हैं u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, इक्वेशन नंबर मैं इसको थर्ड लिख सकता हूं, u1 माइनस u2 रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, v2 माइनस v1 रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, यहां से हम E भी निकाल सकते हैं, यदि मुझे इनका रेस्टिट्यूशन निकालना हो तो E इक्वल टू देखो रिलेटिव वेलोसिटी U1 माइनस U2, U1 माइनस U2 इसको लिखूं तो मैं माइनस U2 माइनस U1 लिख सकता हूं अपॉन V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं अपन इसको लेके चले, तो ठीक है, तो अभी अपने को इसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी इसको नहीं ले रहा हूं, अब देखो अपन बात करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड अपने पास आ गया, अभी अपन v1 और v2 फाइंड करना है, बस उस पर कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, तो अब मैं क्या काम कर रहा हूं, देखो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड को, इक्वेशन नंबर थर्ड को यहां अपने पास फर्स्ट इक्वेशन ये है m1 वाला, तो मैं इसको m2 से मल्टीप्लाई करता हूं और इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड मल्टीप्लाइंग बाई m2 and subtract from equation वन, तो मैं equation वन को ले लेता हूँ पहले, देखो अपने पास क्या है m1 u1 minus v1 equal to m2 v2 minus u2, और अब मैं m2 को into कर रहा हूँ इसको, m2 u1 minus u2 equal to m2 v2 माइनस v1, m2 से इंटू कर लिया, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो इसको इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इनको ऐड करो, देखो क्या बच रहा है वो नोट करते हैं, देखो यहाँ पे m1 u1 और यहाँ पे क्या है m2 u1, तो अपने पास देखो यहाँ पे m1 u1 माइनस m2 u2, तो मैं पहले इनको ले लूं, देखो जो हो रहा है उसको लिख रहा हूं मैं m1 u1, ठीक है ये माइनस m2 u1, क्लियर, फिर देखो यहां पे क्या है माइनस m1 v1, यहां पर क्या है देखो ये प्लस का है तो m2 अपन कर रहे हैं इसको, तो ये हो गया प्लस m2 u2 इक्वल टू, इधर आओ देखो ये वाला स्टेप कैंसिल हो गया और क्या बचा माइनस m2 u2 प्लस
m2 v1, ये स्टेप रह गया अपने पास, ठीक है। और यहाँ से देखो इन दोनों में अपने पास जो था m1 u1, तो u1 बाहर ले लेता हूँ मैं, और क्या रह जाएगा भाई यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान दो, ये बच गया अपने पास m1 माइनस m2 u1, मैंने कॉमन ले लिया इसमें से। यहाँ इसमें देखो m1 v1 और ये m2 u2, ये m2 u2, तो इसको उधर ले जाऊं और इसको इधर लेता हूं, देखो m2 u2, तो ये हो गया अपने पास प्लस टू m2 u2। समझ में आया क्या भाई, माइनस को इसको इधर ले आए, माइनस माइनस प्लस, और इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, तो देखो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 v1। और यहां से हमें देखो इजीली v1 की वैल्यू मिल गई, v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इन टू, पर अपने पास क्या बचा हुआ है u1, और प्लस यहां देखो 2m2 u2 अपॉन क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। तो इस तरह से ये हमें इक्वेशन जो मिला, ये v1 का इक्वेशन मिल गया भाई, किसका, v1 का इक्वेशन मिल गया। अब बिल्कुल इसी तरह से आप जब v1 सोल्व कर चुके हो, तो अपन अब फिर वापस क्या कर रहे हैं, अब देखो फिर से हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड मल्टीप्लाइंग बाई m1 एंड एड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जो अपने पास जो इक्वेशन नंबर थर्ड था, इसको m1 से करेंगे, देखो m1 से इनटू करो m1 u1 m1 हरे कृष्णा हरे रामा। इस इक्वेशन को u1 माइनस u2 v2 माइनस v1, इसको किससे करना है, m1 से हमें इनटू करना है m1 u1 माइनस u1 माइनस u2 इक्वल टू m1 v2 माइनस v1, ये इनटू कर दिया हमने। तो अपने पास इक्वेशन क्या है भाई, m1 u1 माइनस m1 u2 इक्वल टू m1 v2 माइनस m1 v1। और फर्स्ट इक्वेशन को लेके आओ, यहाँ से इक्वेशन जो फर्स्ट था अपने पास, देखो ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, इसको लेके आया, इसमें ऐड कर देता हूँ भाई। तो फर्स्ट इक्वेशन को लेके आ जाऊँ यहाँ से, तो वो अपने पास इक्वेशन क्या है भाई, देखो m1 u1 m1 u1 m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू, फिर देखो आगे m2 v2 m2 v2, फिर आगे देखो माइनस m2 u2 m2 u2, और ये अपन इनको ऐड कर दिए जा रहे हैं भाई, ऐड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, ध्यान रखना m1 u1 m1 u1 2 m1 u1, फिर देखो यहाँ से m1 u2 है, ये माइनस m1 v1 है, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देख लो m1 v2 m2 v2 नहीं हो रहा, एक बार अपन लिख रहे हैं देखो सभी को, ये मेरे पास आया माइनस, दोनों में m1 है, मैंने ले लिया m1 u2 माइनस m1 v1 इक्वल टू m1 v2 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 माइनस m2 u2। अब यहां से देखो कि ये m2 u2 m2 u2, ये m1 u1 कैंसिल क्या हो रहा है उसको देखो, इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखो ये दोनों टर्म हट गए अपने पास, और देखो यहाँ से m1 u2, ये v2 है, ये v2 है, और इसको ले आता हूँ मैं इधर, तो देखो क्या बचा अपने पास 2m1 u1 माइनस m1 u2, और देखो ये आ गया m2 u2, तो इसको लेके आए थे इधर, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा भाई, देखो ये अपने पास था माइनस m1 u2 माइनस m1 u2, तो मैंने ये रख लिया इसको माइनस m1 u2, इसको इधर लेके आया प्लस m2 u2, ठीक है, इसको इधर ले आया, इधर देखो m1 प्लस m2 इंटू v2 की टर्म में आ गया, और यहाँ से हम v2 निकाल सकते अच्छे से। तो ये v2 का फॉर्मूला अपने पास क्या बना भाई, देखो यहाँ पे v2 का फॉर्मूला आ गया है अपने पास, कि यहाँ मुझे मिला 2m1 u1 और यहाँ देखो प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 v2, और देखो v2 इक्वल टू क्या इक्वेशन बना भाई, v2 इक्वल टू 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू
प्लस एम टू माइनस एम वन इंटू यू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये अपने पास इक्वेशन नंबर टू हो गया है भाई, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। तो इस तरह से हमने आज वी वन और वी टू फाइंड कर लिए। कल अपने इनकी बहुत सारी चीज़ें अभी भी देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। इनमें देखो दोनों फॉर्मूले जब हमारे पास आ गए, आप इनको आराम से एक बार देख लो कि देखो हमने किया क्या है। यहाँ पे सिर्फ देखो यहाँ से स्टार्ट किया था अपने भाई, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम पहले बिफोर और बाद में, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन ले लिया, M2 से V1 निकाल लिया और ये V2 निकाल लिया अपन ने, दोनों अच्छे से कर लिए। अब देखो मैं कुछ कंडीशंस ले लेता हूँ यहाँ पे, क्या कंडीशंस ले रहे हैं ध्यान दें दो। ये अपने पास V1 आ गया और ये V2 आ गया। अब देखो मैंने जो कंडीशन ली, केस फर्स्ट इफ M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, इट मीन्स दोनों बॉडीज के मासेस इक्वल हो, दोनों बॉडीज के मासेस M माइनस M, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। और यहाँ देखो 2M U2 अपॉन 2M, 2M से 2M कैंसिल हुआ, तो क्या बचा V1 इक्वल टू U2, V1 इक्वल टू U2। समझ में आया क्या बेटा? देखो m यहाँ रखा, यहाँ m रखा, यहाँ तो m माइनस m पूरा जीरो हो गया, यहाँ 2m और m प्लस m, 2m से 2m, सिर्फ क्या बचा v1 इक्वल टू u2। अब मैं v2 की बात करता हूँ, देखो v2 में देखो v2 इक्वल टू यहाँ m और m, 2m से 2m कैंसिल हो गया, यहाँ जीरो हो गया, तो v2 इक्वल टू, सर ये तो इनके वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गए, यहाँ से क्या रिलेशन निकला भाई, देखो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू, यहां से वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, देखो इस वाले केस में वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी बिफोर कोलिजन। समझ गए? देखो वेलोसिटी ऑफ वी वन ये कैसा है, आफ्टर कोलिजन नहीं लिए थे भाई अपन ने, वेलोसिटी ये किसका है, आफ्टर कोलिजन, ये बॉडी बी का, ये ए का है, ये बी का है, ये कैसा है, आफ्टर कोलिजन है, ये बिफोर कोलिजन थी इक्वेशन। अपन बात इसकी करें तो देखो ये वी टू यानी वेलोसिटी ऑफ बी ये किसका है भाई, बी का, लेकिन कब है, आफ्टर कोलिजन इक्वल टू, देखो ये किसका है, बॉडी ए का, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन, ये क्या है, बिफोर कोलिजन है। तो इस तरह के स्टेटमेंट आएंगे तो आप इनको ये नहीं रट लेंगे, यहां से चेक करो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू ये करके देखा। अब मैं इसी में देखो केस सेकंड, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m एंड वी यू टू इक्वल टू जीरो, सेकेंड बॉडी रेस्ट पर हो, यानी फर्स्ट तो अपने पास ये है u1 a तो, लेकिन बॉडी b u2 यहां पे कैसी है, रेस्ट पर है, और मासेस भी दोनों के कैसे हैं, इक्वल। तो अब देखते हैं, देखो जब मैं v1 की वैल्यू ले रहा हूं तो v1 इक्वल टू, देखो अपने पास क्या आया था भाई, v1 इक्वल टू ये तो पूरा m माइनस m जीरो हो गया, और यहां m2 u2 भी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो v1 इक्वल टू क्या हो गया भाई, जीरो। इट मींस फर्स्ट बॉडी इज बॉडी ए विल बी एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन। क्लियर हुआ एक स्टेटमेंट? अब दूसरी बात देखो, मैं इसी में वी टू की बात करूंगा। अब मैं वी टू की बात करूं तो वी टू यहां से देखो, ये अपने पास एम एम किया तो देखो यहां पे वी टू इक्वल टू क्या आएगा, टू यू वन, जब मास इक्वल होंगे, और यहां पर यू टू कैसी है, जीरो है, तो देखो वी टू इक्वल टू कैसा हो गया, यू वन। इट मीन्स यहां से जो मेरे पास स्टेटमेंट बना वो क्या बना, कि वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए बिफोर कोलिजन। इट मीन्स बॉडी बी है भाई, बॉडी बी
जो है ये देखो क्या कर लेती है, यू वन अचीव कर लेती है। इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन यानी क्या हुआ भाई, ये यहाँ पर आकर जो बॉडी ए है ये तो कैसी होगी, रेस्ट में होगी, और बॉडी बी है इसने v2 इक्वल टू किसका, फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी ले लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी बी पर ट्रांसफर हो जाती है। तो आपके समझ में आया होगा, जब अपन सेकंड बॉडी रेस्ट में लेंगे तो ये सिचुएशंस रहेंगी, और इसके बाद बहुत सारे अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।